हाय दोस्तों, रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 की रेंडर स्पाई इमेजेज जो है हमको देखने मिल रही है। दोस्तों ये जो बेस बनाया गया है वो हिमालयन के ऊपर बेस करके जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। एंड दोस्तों ये मॉडल बहुत हद तक हिमालयन जैसा तो दिखेगा, बट इसमें जो फीचर्स होंगे वो हिमालयन जैसे नहीं होंगे, बिकॉज बहुत सारे लोडेड फीचर जो है इसके अंदर आने वाले हैं। रॉयल इनफील्ड जो है एक पहले एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक होती थी, मतलब एक सस्ती एडवेंचर बाइक जो है वो रॉयल इनफील्ड बनाती थी, बट अभी मार्केट में और भी ऑप्शन क्रिएट हो चुके हैं। जैसे आपको एसडी का एडवेंचर बाइक मालूम है, केटीएम का 250 जो है एडवेंचर बाइक मालूम है, तो अभी एडवेंचर बाइक के ऑप्शन जो है इंडियन मार्केट में बहुत सारे आ चुके हैं। तो रॉयल एनफील्ड इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए दोस्तों एक फुल्ली लोडेड फीचर बाइक जो है बना रहा है, जिसको हिमालयन 450 जो है अभी कहा जा रहा है। इसका एक्चुअल नेम क्या होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है। दोस्तों इस इमेज में अगर आप देखेंगे तो इमेज में बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। फ्रंट में आपको यूएसडी फोक जो है वो मिलने वाले हैं, लिक्विड कूल इंजन आने वाला है जो कि अभी तक रॉयल एनफील्ड ने नहीं बनाया है। फर्स्ट टाइम लिक्विड कूल इंजन जो हमको देखने को मिलेगा। जो डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है अभी भी जो हमको स्पाई इमेज में देखने को मिल रहा है वो सेम जो मीटियोर में लगा हुआ है वही अभी जो है यूज़ किया जा रहा है। अभी इसका फाइनल इमेज डिटेल नहीं हुआ है। मोनोशॉक सस्पेंशन आने वाला है, रेयर टायर जो है थोड़ा ब्रॉड किए जाएंगे, टायर डिजाइनिंग जो है वो चेंज की जा रही है, रेयर पार्ट से थोड़ा सा अपसेट किया जाएगा, टैंक साइज जो है 20 लीटर के आसपास किया जा रहा है, टैंक साइज इंक्रीज किया जा रहा है। एंड दोस्तों इंजन का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा DOSE इंजन के ऊपर जो है रॉयल एनफील्ड वर्क करने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है रॉयल एनफील्ड अभी वर्क कर रही है। इसके अगर लॉन्च की बात की जाए तो दोस्तों ये मॉडल जो है 2023 के मिड तक जो हमको आइडिया होगा कि ये कब तक लॉन्च होने वाला है, बिकॉज इसकी अभी सिर्फ हल्की फुल्की इमेज ही हमको देखने मिली है। फुल फ्लेज में अभी इसमें टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है। एंड दोस्तों अभी इस ईयर की अगर बात की जाए क्या चीज़ लॉन्च होने वाली है, तो दोस्तों क्रूजर 650 जो है आने वाली है, जुलाई एंडिंग के आसपास तक जो है उसका अपडेट चल रहा है। एंड होप कि वो जल्द ही लॉन्च हो, क्योंकि हम उसका ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से जो है हम उसकी स्पाई में देख रहे हैं, अभी तक वो लॉन्च होने का उसका अपडेट नहीं आया हुआ था, बट अभी फाइनली अपडेट लग रहा है कि वो लॉन्च होगी। एंड दोस्तों अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए, ये जो एंट्री लेवल एडवेंचर बाइक बनाई रही है रॉयल एनफील्ड, ये 2.5 लाख के आसपास जो है इसका एक्स शोरूम प्राइस रहेगा। तो अगर इस प्राइस में अगर ये रॉयल एनफील्ड बिकती है तो मार्केट जरूर कैप्चर कर सकती है, बिकॉज बहुत सारे फीचर जो है रॉयल एनफील्ड लाने वाली है। अगर इसकी स्पाई इमेजेस देखें तो अच्छी ब्रॉड बाइक जो है वो देखने को मिल रही है। अब इसमें फुल्ली वर्क नहीं किया है, इसमें अगर पूरा फिनिशिंग वर्क कर दिया जाए तो बाइक बहुत ही सही लगेगी। एंड कैसी लग रही है आपको दोस्तों हिमालयन की 450 मॉडल, जरूर मेरे कमेंट सेक्शन बताइएगा। एंड दोस्तों आपको क्या इनपुट है एंड आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मुझे जरूर शेयर करिएगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, कैसा लगा आपको वीडियो वो भी कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। एंड दोस्तों यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और देखते रहिए वीडियो को, ऐसी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी। बाय।